नमस्कार यूटीवी खबर को स्वागत। प्रथमे मुख्य खबर। करोना लहरी को दृष्टि रे रखी मैट्रिक परीक्षा को बातिल घोषणा कले ओडिशा सरकार। मार्किंग व्यवस्था को नहीं छात्र छात्री और अभिभावकों मध्य मिश्रित प्रतिक्रिया। गंजाम जिले में समस्त मंदिर मस्जिद चर्च एवं धार्मिक पीठगुड़िक केवल पूजकों द्वारा पूजा अर्चना हो सूचना दे जिलापाल। पवित्र श्रीराम नवमी में महानगर विभिन्न राम और हनुमान मंदिर में करोना कटका अनुजाई केवल पूजकों द्वारा पूजा अर्चना अनुष्ठित। गंजाम जिले में करोना आक्रांतों संख्या वृद्धि को दृष्टि रखी जिलार विभिन्न अंचल घर को घर बुली कर स्वास्थ्य परीक्षा। पवित्र श्रीराम नवमी में 4.1 cm उच्चता विशिष्ट विश्वर सबुठ छोट राम काठमूर्ति निर्माण कर ब्रह्मपुर बालुका शिल्पी सत्य महाराणा। एवं राज्य और गंजाम जिले में प्रतिदिन वृद्धि पाउछि कोरोना आक्रांत। गोटे दिन में जिलारु 151 जन चिन्हट। कटकणा नियम मानिबा को परामर्श। वर्तमान संपूर्ण खबर। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तरफ करोना लहरी को दृष्टि रे रखी मैट्रिक परीक्षा बातिल करा जायतबा बेले वर्तमान ओडिशा राज्य सरकार तरफ आगामी दिन में होगाक मैट्रिक परीक्षा को बातिल घोषणा कर बुधवार गणशिक्षा मंत्री समीर दास घोषणा कर। परीक्षा को नहीं विभिन्न अंचल मैट्रिक छात्र छात्री माने प्रतिवाद करने तुरंत परीक्षा हो कि नहीं जनवाक दावी करते। वर्तमान कोरोना को दृष्टि रे रखी माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ परीक्षा को संपूर्ण बातिल करा जायछि। एपरी निष्पत्ति को नहीं छात्र छात्री और अभिभावकों मध्य मिश्रित प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। गंजाम जिले में कोरोना को दृष्टि रे रखी पुणि थरे जिलार समस्त मंदिर मस्जिद चर्च एवं धार्मिक पीठगुड़िक सीमित पूजक मान उपस्थित रही पारंपरिक रीतिनीति अनुजाई सेवा और पूजा कार्य करिपारिबे बोली गंजाम जिलापाल विजय अमृता कुलांगे ट्विटर जोगे सूचना देछन्ते। तेबे भक्तमानक पई संपूर्ण बारण करा जायछि। किछि दिन पूर्वे 21 तारिख पर्यंत एपरि कटकणा जारी करा जायथिबा बेले पूर्ण थरे आसंता 22 तारिखरु मे 15 तारिख जाय साधारण लोके जिलार कौनसी जनगहली स्थान जेपरिक धार्मिक अनुष्ठान पार्क समुद्रकूल खेल पड़िया और ह्रद आदि स्थान को प्रवेश निषेध बोली निर्देश जारी होई। यार खिलाफ करागले जरिमाना आदाय सह आईन अनुजाई पदक्षेप ग्रहण कराजिबो बोली गंजाम जिलापाल कुलांगे सूचना दैछन्ति। बुधवार पवित्र श्रीराम नवमी अवसर में ब्रह्मपुर महानगर विभिन्न राम और हनुमान मंदिर में करोना कटका अनुजाई केवल पूजक मानक द्वारा पूजा अर्चना करुषित होना जो मंदिर बंद रही बेले भक्त मानी दर्शन बंद रही। तेणु श्रीराम नवमी में ब्रह्मपुर कोटपेटा गोसाई नुआगां समेत अन्यान्य मंदिर में पूजक द्वारा पूजा अर्चना कर आंकुली साहि बड़बजार नड़िया बजार पंदरा साहि और शंकरपुर साहिठे मंदिर गुड़िकीराम नवमी अवसर में पूजक मानक द्वारा पूजा अर्चना सह हनुमान चालीसा पाठ कर। गंजाम जिला समेत ब्रह्मपुर में करोना आक्रांतों संख्या वृद्धि पाता जो गंजाम जिलापाल निर्देश क्रमे जिलार विभिन्न अंचल घर को घर बुली स्वास्थ्य परीक्षा करेक्षी में बुधवार गोईलुंडी अंचल वार्ड नंबर 32 तरफ अंगनवाड़ी कर्मी दीप्तिलेखा मिश्र और अन्यान्य आशाकर्मी सहयोग में स्वास्थ्य जांच कर साधारणतः साही बासिंदा करोना संपर्क में सचेतन बहु लोकों ज्वर पल्स बाहर राज्य फेरता चिन्हट और अन्यान्य करोना लक्षण नहीं तदारख कर आगामी दिन में घर को घर बुली करोना जांच प्रक्रिया जारी रही सूचना मिली। ब्रह्मपुर 38 नंबर वार्ड में अंगनवाड़ी कर्मी और आशा दीदी सहयोग में घर को घर बुली स्वास्थ्य जांच कर
एही अवसर रे निगम कमिश्नर डॉक्टर सिद्धेश्वर बलिराम बंदार निजे उपस्थित थिले। सूचना योग्य एही स्वास्थ्य जांच पई 112 टी टीम गठन करा जायछि। तेनु समस्त जनसाधारण एही टीम को सहयोग करबा पई कमिश्नर बंदार निवेदन करिछन्ति। पवित्र श्रीराम नवमी अवसर में ब्रह्मपुर बालुका शिल्पी सत्य महाराणा विश्वर सबुठारु छोट रामंक काठमूर्ति निर्माण करिछंती। मूर्तिर उच्चता 4.1 cm रही। रामनवमी अवसर में सत्य एपरी रामंक मूर्ति माध्यम जनसाधारण को करोना दाउरु रक्षा करने प्रार्थना करने समस्त जनसाधारण एथिपाई मास्क परिधान करने को परामर्श देछंती। सत्यंक एपरी कलाकृति नहीं तांको विभिन्न महलरु प्रशंसा करा जायछि। गंजाम जिला समेत ब्रह्मपुर विभिन्न अंचल प्रतिदिन करोना आक्रांतों संख्या वृद्धि पाइबारे लगी। गोटे दिन में राज्य में 4851 जन करोना पॉजिटिव चिन्हट होता बेले से गंजाम जिलूर 151 जन चिन्हट होती। ब्रह्मपुर महानगर विभिन्न वार्ड में प्रतिदिन बहु साहि करोना आक्रांतों संख्या वृद्धि पाइबारे लगी। करोना आक्रांतों संख्या वृद्धि सह बहु आक्रांत सुस्थ होती। तेणु गंजाम जिला प्रशासन तरफ जनसाधारण को मास्क परिधान करने सामाजिक दूरता रक्षा करने हाथ को सानिटाइज करने गंजाम जिलापाल विजयमृता कुलांगी परामर्श देते। गंजाम जिला वरिष्ठ कलाकार संघ गजपति सेवा और सांस्कृतिक समिति मंच ज्योति और शिला पद्मर मिलित आनुकूल्य बुधवार सिटी हाईस्कल रोड स्थित श्री रघुनाथ मठ परिसर में पवित्र श्रीराम नवमी अवसर में एक सांस्कृतिक सम्मेलनी आवाहक नीलांबर साहू को अध्यक्षतार अनुष्ठित होती। एथिरे पंडित सदानंद दास मुख्य अतिथि रूपे जोग देइथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे वरिष्ठ कलाकार संघ कार्यकारी सभापति दुर्गा प्रसाद आचार्य सम्मानित अतिथि भावे मठ परिचालक श्यामसुंदर साहू प्रमुख जोगदे मर्यादा पुरुष भगवान श्रीरामक मानवीय लीला संपर्क में वक्तव्य प्रदान करते। अवसर में दासकाठिया गायक सारथी पंडा पाया उल्लास पंडा गाहणी गाहण गुरुजी जी कामराज पात्र मृदंग वादक कुनु बेहरा संगीतज्ञ टी तारिणी राव कलाकार महेन्द्र कुमार साहू और सांस्कृतिक संगठक रवींद्र कुमार नायक को मंचज्योति तरफ मानपत्र और उपढ़ौकन प्रदानपूर्वक संबर्धित करा। शिलापद्मर संपादक नृत्याचार्य सुभाष चंद्र साहू रोशन एठारे स्वागत भाषण सह अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले कंठशिल्पी अनुराधा प्रारंभिक संगीत गान करथिले। गायक सारथी पंडा और साथी द्वारा एठारे दासकाठिया माध्यम रामाभिषेक चरित परेषण होता। बलदेव साहू श्रीबराम सावत नीलमाधव जेना और मामुनी मिश्र प्रमुख एहजोग कर। करोना को दृष्टि रखी महान संघ तरफ मंगलवार गिरिरोड छकठे 10 दिनिया सचेतनता कार्यक्रम अष्टम दिवस यात्री मानू करोना नहीं सचेतन कर सभापति सुशांत सावतों नेतृत्व में एठार जी मगणारे मास्क बंटन करोना कटका नियम संपर्क परामर्श दिया। साधारण संपादक प्रशांत पात्र उपसभापति संजय कुमार माझी नमिता राणी राउत पी कमली प्रकाश चंद्र भाजीन लोपा सामल प्रमोद महाराणा निखिल कुमार पात्र रजनीकांत मंडल सुरेश चंद्र त्रिपाठी समेत बहु सदस्य अवसर में उपस्थित थे। गंजाम जिला समेत राज्यर 20 जिले में गत शनिवार रात्र 9टा ठारु भोर 5टा पर्यंत रात्रकालीन कर्फ्यू जारी रही। करोनार भयावहता को दृष्टि रखी राज्य सरकार निष्पत्ति क्रमे एपरी पदक्षेप ग्रहण करोना समस्त जनसाधारण यह नियम को मानवाक जिला और पुलिस प्रशासन तरफ परामर्श दिया।
कर्फ्यू समय रे डाक्तरी चिकित्सा सेवा संस्था औषध गच्छित केन्द्र और कर्मचारी केन्द्र राज्य तथा पौर कर्मचारी जो माने जरूरीकालीन कर्तव्य रे यातायात करूथिबे सेमानकु छोडाजिवो बोली राज्य सरकारक तरफरु निष्पत्ति निया जायछि। सेहिपरि तार और बेतार सेवा संस्था तैल और सीएनजी गैस वितरक संस्था सांबादिक पानीय जल जोगाण सफेई संस्था परिमल संस्था विद्युत वितरक संस्था शिल्प संस्था समेत रोगी और तांक संपर्कीय मानकु परिचय पत्र द्वारा छोडाजिवो बोली कुहाजायछि। अनुपम भारतर शेरगड़ सांबादिक करुणाकर साहूंक करोना जोगु मृत्यु घटी। मृत्यु बेलकु तांकु 53 वर्ष बयस होइथिला। करोना रे से आक्रांत हेबा परे तांकु हिंजलीकाटु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिला। तांको मृत्युरे अनुपम भारत परिवार समेत राज्यर विभिन्न अंचल रे रहुथिबा सांबादिकक महलरे गभीर शोक प्रकाश पाइछि। से जणे शांतशिष्ट नम्र भद्र सरल मिष्टभाषी ओ मेलापी स्वभावर व्यक्ति थिले। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय पूर्वतन एमबीए विभागीय प्राध्यापक तथा मुख्य प्रोफेसर प्रशांत पाढ़ी कोरोना रे आक्रांत हो बुधवार मृत्युवरण करिसेंती। वर्तमान स्वर्गत पाढ़ी पटना ठारे थिबा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रे निर्देशक भाबे कार्यरत थिले। मृत्यु बेलकु तांकु 64 वर्ष बयस होइथिबा बेले मृत्युशय्या निकटरे तांको पत्नी समेत परिवारर अन्यान्य सदस्य उपस्थित थिले। तांको मृत्युरे विभिन्न महलरु शोक प्रकाश पाइछि। खबर शेष करिबा पूर्वरु खास खबर पुणि थरे। करोना लहरी को दृष्टि रे रखी मैट्रिक परीक्षा को बातिल घोषणा कले ओडिशा सरकार। मार्किंग व्यवस्था को नहीं छात्र छात्री और अभिभावकों मध्य मिश्रित प्रतिक्रिया। गंजाम जिले में समस्त मंदिर मस्जिद चर्च एवं धार्मिक पीठगुड़िक केवल पूजकों द्वारा पूजा अर्चना हेबो बोली सूचना देले जिलापाल। पवित्र श्रीराम नवमी महानगर विभिन्न राम और हनुमान मंदिर में करोना कटकणा अनुजाई केवल पूजकों द्वारा पूजा अर्चना अनुष्ठित। गंजाम जिले में करोना आक्रांतों संख्या वृद्धि को दृष्टि रखी जिलार विभिन्न अंचल घर को घर बुली करा जाउछि स्वास्थ्य परीक्षा। पवित्र श्रीराम नवमी में 4.1 CM उच्चता विशिष्ट विश्वर सबुठारु छोट राम काठमूर्ति निर्माण करिछंती ब्रह्मपुर बालुका शिल्पी सत्य महाराणा। एवं राज्य और गंजाम जिले में प्रतिदिन वृद्धि पाउछि करोना आक्रांत। गोटे दिन में जिलूर 151 जन चिन्हट। कटकणा नियम मानिबा को परामर्श। यूटीवी खबर को वर्तमान पे इठि रखुचु। नमस्कार।